हेलो गाइस, आवाज सही आ रही है क्या भाई? आवाज क्लियर आ रही है तो जल्दी से आप सभी लोग मुझे कमेंट कर दो भाई। सभी लोग करो गाइस, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए भैया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से बताइए, क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? चलो भैया, तो एक बार सभी लोग इसको शेयर कर दो जल्दी से, सभी लोग शेयर कर दो जल्दी से भैया, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से भैया, सभी लोग आ जाओ जल्दी से भैया। तो गाइज, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, आप लोग भली भांति जानते हैं। मैं बता देता हूँ, मैं अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी में पढ़ाता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है, आप लिंक पर क्लिक कर मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? तो गाइज, अभी सभी लोग आ जाओ, और अभी ये हमारे कोर्स चल रहे हैं, ये आप लोग देखते लेना, मैं इनके बारे में क्लास के लास्ट में अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? सभी लोग बताएंगे गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, दूध से दही का बनना, फलों का बनना, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन होना। सभी लोग आंसर बताएंगे। सर आवाज थोड़ा डिफरेंट है आज, कोई बात नहीं, जो 45 लोग ही आए अभी, इस 45 को 200 में कन्वर्ट करो जल्दी से। सभी लोग 45 49 हो गए हैं, और इसको और ज्यादा करो गाइस, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़ो भैया, 53 हुए हैं अभी। सभी लोग, तो गाइस आंसर क्या है? बर्फ का पिघलना। सभी लोग बताएंगे, लिटमस से प्राप्त किया जाता है, किससे किया जाता है लिटमस प्राप्त? जल्दी से बताओ गाइस, लिटमस प्राप्त किया जाता है जीवाणु, कवक, शैवाल, लाइकेन। सेकंड का आंसर सभी लोग बताएंगे दोस्तों, सभी लोग बताएंगे भैया, सभी लोग बताओ जल्दी से। तो बहुत बढ़िया, शिव ने सबसे पहले आंसर दिया, आंसर क्या आएगा? लाइकेन बाबू। अगले सवाल का जवाब देंगे, स्तनीय स्वर्ण हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। सभी लोग बताएंगे गाइस क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ भैया, सभी लोग बताएंगे भैया, सभी लोग जाबा सिकंदरों। तीसरे का आंसर सबसे पहले नंदी ने दिया है, फिर भारती ने दिया है, फिर अर्सी ने दिया है, हर्षी। तो आंसर क्या आएगा? ऑक्सीटोसिन। अगला सवाल, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? ये जहरीली की बात कर रही है बाबू, बहुत मछलियां खाई हैं आपने, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जहरीली मछली कौन सी है इनमें से। बताओ कौन सी जहरीली मछली है, फोर्थ का आंसर दीजिए, जहरीली। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, जहरीली मछली। सभी लोग बताएंगे क्या आंसर होगा जहरीली मछली का, सभी लोग बताएंगे भैया जहरीली मछली। तो आंसर क्या आएगा गाइस? बी। क्लियर गाइस? अगला सवाल करेंगे दोस्तों, डीएनए का दोहरा पेचदार ढांचा किसके द्वारा दिया गया था? सभी लोग बताएंगे भैया, सभी लोग बताएंगे भैया, डीएनए का दोहरा पेचदार ढांचा किसके द्वारा दिया गया था? और ये जाबाज सिकंदरों, नंदी ने फिर जीत लिया है, नंदी ने सबसे पहले, फिर आकाश ने, फिर परिस्मिता ने, ध्रुव ज्योति, हर्षी, तो वाटसन और क्रिक। क्लियर गाइस? अगला सवाल जाबाज सिकंदरों, सभी लोग बताएंगे भैया, राष्ट्रीय एरोस्पेस विकास प्रशासन एक खालिस्तान की आधिकारिक अंतरिक्ष एजेंसी है, उत्तरी कोरिया की, दक्षिणी की, इंडोनेशिया। क्या जवाब दोगे इसका? सिक्स का। सभी लोग बताएंगे भैया सिक्स का, सभी लोग बताएं भैया, आंसर देने से पहले उसका सीक्वेंस नंबर और लिख दीजिए ना, ताकि मैं बता तो सकूं आपने सही दिया या नहीं दिया है भैया। सभी लोग बताएंगे भैया, तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस? उत्तरी कोरिया। सिक्स का आंसर आएगा उत्तरी कोरिया, NEDA उत्तरी कोरिया की एक आधिकारिक अंतरिक्ष एजेंसी है। क्लियर? अगला सवाल बताएंगे, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और भारत सरकार के पदेन प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश पालीवाल, सलील पारेख। सभी लोग बताएंगे भैया, वाह भैया वाह, गजब हो भैया। सुनीत शर्मा, कि क्या आंसर दे रहे हो भाई, गजब।
बताओ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का क्या विषय है? बताओ भैया क्या विषय है भैया, सभी लोग बताएंगे भैया। राष्ट्रीय दिवस 2021 का क्या विषय है? एसटीआई का भविष्य, शिक्षा कौशल और कार्य पर प्रभाव, विज्ञान में महिलाएं, राष्ट्र निर्माण का विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग सही जवाब दें। ये हर्षी ने सही आंसर दिया है भैया, हर्षी ने सही आंसर दिया है कि भैया एसटीआई का भविष्य शिक्षा कौशल और कार्य पर प्रभाव। ठीक है भैया, अगला वाला बताएंगे भैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेगी? सभी लोग बताएंगे। अरे भैया सभी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अरे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्या भैया? सभी लोग बताएंगे भैया, एक मिनट मैं चेक करता हूँ क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। दिखाई दे तो रहा है क्लियर, स्क्रीन नोट क्लियर, क्लियर है तो सही, तो आंसर क्या आएगा? एक और दो, मिर्जापुर तो सबने देखी है गुड्डू भैया, सोनभद्र, तो मिर्जापुर और सोनभद्र इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बफरिंग हो रहा है बीच में थोड़ा थोड़ा, नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोगों में नेटवर्क में दिक्कत है आप लोगों के। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में जून 2020 में गालवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ शारीरिक संघर्ष में शहीद हुआ था? बताओ कौन सा हुआ था गाइस, सभी लोग बताएंगे भैया। कर्नल बी संतोष बाबू, हेमंत करकरे, कर्नल आशुतोष, सभी लोग बताएंगे भैया। और सभी लोगों ने सही जवाब दे दिया है, वाह भैया क्या बात है, जाबाज सिकंदरों, कर्नल बी संतोष बाबू, मजा आ गया भैया, आप तो इतिहास लिखोगे सारे लोग। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने बंगबंधु शेखर मुजीबुर रहमान के नाम से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है? सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताएंगे भैया। अच्छा क्वालिटी थोड़ा हाई करना पड़ेगा, क्वालिटी हाई कर लो भैया आप लोग सभी वीडियो की। तो क्या आंसर आएगा भैया? रचनात्मक अर्थव्यवस्था, क्रिएटिव, बहुत बढ़िया। अगला करेंगे भैया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा घोषित निम्नलिखित में से कौन सी पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ है? अरे भैया ये तो बता दो, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, क्या होगा जवाब? तो अमोल पवार, ये भैया हमारे, ये हमारे प्रांत, मैं कहाँ का हूँ, जयपुर का, तो हमारे यहाँ की जो पुलिस है, पुलिस अकादमी और देश की सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है भैया, तो कहीं तो जयपुर का नाम दिखना पड़ा। चलो आगे चलो भैया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? बताओ भैया कौन सी आधिकारिक भाषा नहीं है? सभी लोग बताएंगे भैया कौन सी नहीं है, सभी लोग बताओ। स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी, तुर्की, बताओ भैया। अमोल बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, तो आंसर आएगा तुर्की। अगला करो भैया। लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फरवरी 2021 में मेलबर्न पार्क में अपना, सभी लोग सुन लो, नवा ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता? किसने जीता सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे भैया। जोकोविच, एंडी मरे, रोजर, सोमदेव, सभी लोग बताएंगे भैया। तो आंसर क्या आएगा भैया? जोकोविच। अगला करेंगे भैया। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? अरे बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? रामदास, श्यामदास, महेश दास, रमेश दास, क्या नाम है बताओ? बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? सभी लोग बताएंगे। तो महेश दास, बहुत बढ़िया, गजब स्टूडेंट है भाई। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई थी जो थानेसर के साथ उनके जुड़ाव का वर्णन करता है, कौन है भैया?
जल्दी से बताओ, सभी से बताएंगे भैया, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। भाषा, कालिदास, बाणभट्ट, सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया यार, क्या जाबाज, तू भी बन सकता है सिकंदर, बस झांक ले दिल से दिल के अंदर, तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, बस मेहनत करते रहो। बाणभट्ट इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पेसिफिक कहा जाता है? स्वेज नहर को, पनामा को, बेरिंग को, किसको, या अलास्का की खाड़ी? क्या आंसर आएगा जाबाज सिकंदरों? भाई गजब यार, वसंता, बहुत बढ़िया। अनिल, भारती, सभी लोग ही सही आंसर दे रहे हैं। कालिदास वाले भैया कहाँ पे, वो भी तो आंसर आएगा पनामा। अगला करो भैया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोची? क्या आंसर आएगा? सभी लोग बताओ भैया, सभी लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा। अरे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेज में है, तो इसका जवाब कोई देगा सही? बहुत बढ़िया, हर्षी ने सबसे सही आंसर दिया इसका, हैदराबाद। अगला करो भैया। निम्नलिखित में से किसने ओडिसी लिखी है गाई? जल्दी से बताएंगे भैया। हाँ, मुरबी, हिप्पोक्रेट, होमर, सभी लोग बताएंगे गाइस क्या आंसर आएगा। सर तो थोड़ा जूम आउट कीजिए यार, इससे भी ज्यादा जूम आउट तो नहीं हो पाएगा भाई। बस ये मैक्सिमम है भाई मेरी तरफ से, तो होमर गाइस, क्लियर गाइस? अगला सवाल करेंगे, ये मेरी तरफ से अगला करेंगे भैया। 2021 में प्रत्येक 23 जनवरी को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? ये तो बता दीजिए भैया, सभी लोग बताएंगे। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल? अरे ये तो सभी लोग सही दे रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस। बहुत बढ़िया, अगला करो जाबाज सिकंदरों। गणगौर किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? अब भैया जयपुर में गणगौर बड़ा फेमस है भैया, तो सभी लोग बताएंगे गणगौर किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है। हाय अनुराधा सिंह, सभी लोग बताएंगे भैया, जल्दी से बताओ। अरे सभी लोग सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी, राधा? अरे बहुत बढ़िया, अरे भाई जल्दी से करो, तो आंसर क्या आएगा? गोरी, गोरी क्या मतलब? पार्वती जी। क्लियर गाइस? अगला करो जाबाज सिकंदरों, तुम्हें ताकत है दुनिया बदलने की। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती है? गौरी मतलब पार्वती जी भैया, पार्वती माँ शिव जी की अर्धांगनी। अब और इसको कैसे डिफाइन करूं भाई, गणेश जी की मम्मी। चलो सभी लोग बताएंगे भैया, सभी लोग बताएंगे इसका जवाब। मैं हूं आपका जवाब सुनने के लिए तैयार, तो आंसर क्या आएगा भैया? बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या आएगा? ताप्ती। बहुत बढ़िया, अगला करो जाबाज सिकंदरों। भारत में कृषि आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? बताओ भैया किसके द्वारा की जाती है, सभी लोग बताएंगे भैया, सभी लोग। आउटपुट विधि, इनपुट विधि, व्यय विधि, वस्तु प्रभाव विधि? क्या आंसर आएगा जाबाज सिकंदरों, जल्दी से बताओ। सभी लोग सही बताएं, गलत बताने के लिए काफी है जनता, तो सही बताओ भाई, गलत तो किसी से भी पूछ लूंगा मैं, तो आंसर क्या आएगा? आउटपुट विधि। अगला जवाब देंगे भैया। प्रसिद्ध पुस्तक, सभी लोग, वेक अप इंडिया, सभी लोग बताएंगे भैया। ए प्ले फॉर सोशल रिफॉर्म के लेखक कौन है भैया? मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सभी लोग बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू, सभी लोग बताएंगे भैया, सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से, सभी लोग देंगे भैया। बहुत बढ़िया, एनी बेसेंट, सभी को पता होना चाहिए, सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया यार, आप तो बड़े होशियार हो यार सारे। अब इसका जवाब दे दीजिए सभी लोग। स्थायी बंदोबस्त शायद ही कभी अन्य क्षेत्रों में बढ़ाया गया था क्योंकि? सभी लोग बताएंगे भैया क्या आंसर आएगा।
सभी लोग बताएंगे भैया जल्दी से, सभी लोग बताओ भैया क्या आंसर आएगा जल्दी से। तो क्या आंसर आएगा भैया, सभी लोगों को पता हो तो ऊपर के सभी आ जाएंगे। अगला सवाल करेंगे भैया, अगला सवाल करेंगे भैया जल्दी से। सभी लोग इसके सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बताओ भैया कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जल्दी से बताएंगे भैया। सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया भैया। अगला सवाल बताओ रे भैया जल्दी से, अगला करो गाइस। किसका उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है? बताओ भैया, संघनित जल, वाष्पित जल, भारी जल, आसूत जल, जल्दी से बताओ। किसका उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है? सभी लोग बताएंगे भैया। अरे मेरे प्रभुओं, ये तो बताओ, डिस्टिल्ड वाटर होगा ना, क्योंकि इसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज नहीं होती है, इसका काम में लेंगे ना प्रभुओं, गंदे पानी को थोड़ी काम में लोगे, हो आएगा। अगला करो जल्दी से, कुछ भी जवाब देते हैं। किसका यौगिक निर्माता रोग के कारण बनते? बताओ, पारा का, कैडमियम, कोबाल्ट, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ। सभी लोग बताओ निर्माता भैया जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे भैया। तो आंसर क्या आएगा गाइस? पारा। और याद रखना कैडमियम से होता है इताई इताई, ये याद रखना मेरे भाई, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, फिर आप गलती करके आ जाओगे एग्जाम में कि इताई इताई किसकी वजह से, कैडमियम किस, और निर्माता किसकी से, मरकरी। अगला सवाल करेंगे भैया, अंडक के नीचे हिस्से के फूले भाग को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ क्या कहा जाता है भैया, सभी लोग बताएंगे क्या कहा जाता है। अंडक के नीचे हिस्से के फूले भाग को क्या कहा जाता है? वर्तिका, बीजांड, वर्तिकाग्रे, अंडाशय, क्या आंसर आएगा? तो भैया अंडाशय, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अगला जवाब देंगे, विलहेम कॉनराड रेंटजेन ने क्या खोज की थी? बताओ गाइस, किसकी खोज करी थी भैया? विलहेम कॉनराड रेंटजेन ने किसकी खोज करी थी? विद्युत आवेश, विद्युत बल्ब, एक्सरे, उष्मा गति की, बहुत बढ़िया, एक्सरे, सभी लोगों ने बता भी दिया, वाह भाई वाह। बताओ भैया, एशियाई शेर के लिए विश्व का एकमात्र निवास स्थान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? सभी लोग बताएंगे भैया, किस उद्यान में पाया जाता है? सभी लोग बताएंगे। तो क्या आंसर आएगा भैया? गिर नेशनल पार्क, आपको पता होना चाहिए भैया, बहुत बढ़िया, गिर नेशनल पार्क, बहुत ही बढ़िया। अगला करो, निम्नलिखित देशों में से किसने नवंबर 2020 में 15वें G20 शिखर सम्मेलन की आभासी मेजबानी की? सभी लोग बताएंगे भैया, और रोजाना 3:20 पर यही टाइम होता है, सभी को आना है, सभी लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा भैया। तो आंसर आएगा 7 का, सऊदी अरब। याद रखें कि सऊदी अरब ने नवंबर 2020 में 15वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अगला बताएंगे भाई, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सभी लोग बताएंगे भैया, सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया था। अगला जापा सिकंदरों, निम्नलिखित में से 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सभी लोग बताएंगे भैया। अरे भैया कहाँ गए, सभी लोग बताएंगे भैया।
आएगा गाइस। हाँ बिल्कुल लुइस ग्लुक्स, बहुत बढ़िया। हाल ही के समाचार में उल्लेखित प्रदर्शित सागरिका निम्न में से किससे संबंधित है, जल्दी से बताएंगे भैया। करंट का सवाल है, सभी लोग बताएंगे भैया। सभी लोग बताएंगे 10th का। हाल ही में समाचार में उल्लिखित प्रदर्शित सागरिका, तो क्या आंसर आएगा। यह देश का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है, क्लियर, इसलिए चर्चाओं में है। अगला, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताएंगे भैया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सभी लोग जवाब देंगे दोस्तों। तो कौन थे भैया, एच जे कनिया, बहुत बढ़िया, ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही ढंग से सुमेलित नहीं है, बताएंगे भैया। कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, मैच सही ढंग से नहीं कर रहा है, बताएंगे भैया। सभी लोग बताएंगे भैया। सभी लोग बताएंगे भैया। तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ। क्यों, क्योंकि इस टाइम गवर्नर कौन थे भैया, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, तो ये वाला मैच नहीं कर रहा है। अगला सवाल बताएंगे भैया, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है, सभी लोग बताएंगे। मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद भैया राजस्थान में पड़ता है, मत्स्य अलवर, अलवर का पुरान, अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, इसका नाम है मत्स्य नगर। महाजनपद 16 थे, आपको अगर पता हो तो। अंग मगध, काशी कोसी, वल चेदी, मत्स्य क्रू, पांचाल, अस्मक, आवती, कंबोज, गांधार, ये 16 महाजनपद हुआ करते थे। क्रू आपको पता है महाभारत के टाइम का, अंगराज करण, मगध नरे, जरासंध, इस तरीके का आप लोगों को पता होगा, ये महाजनपद होते थे। अगला करो, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपना शाही दरबार और निवास स्थान आगरा से सीकरी स्थानांतरित कर दिया था, जिसे बाद में फतेहपुर सीकरी नाम दिया गया, सभी लोग बताएंगे। सर हाउ टू रिमेम्बर भैया, अब याद हो जाएंगे आपको। अंग मगध, काशी कोजल, वद्दी मल, चेदी, वत्स्य, क्रू, पांचाल, अस्मक, आवती, कंबोज, गांधार, इस तरीके से याद रखो भैया। तो इसका आंसर क्या आएगा भैया, अकबर। अगला सवाल करेंगे दोस्तों, कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल नहीं खाता है, बताओ कौन सा नहीं खा रहा है भैया। सभी लोग बताएंगे गाइस। पंद्रहवीं का आंसर बताएंगे जाबाज सिकंदरों। तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ। क्यों, मालदीव का क्या है भैया, माले, ये याद रखें, क्लियर गाइस। बिल्कुल 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 भैया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे, राजनीति के तरुण गोगाई, स्टार लगा लेना इसके, तरुण गोगाई जिनका हाल ही में निधन हुआ है, भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, असम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, नागालैंड, क्या आंसर आएगा, सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, कहाँ के थे भैया, असम के, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे जाबाज सिकंदरों, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किसने किया था, किसने किया था भैया, बताओ किसने करा था भैया। सभी लोग बताएंगे। चलो भैया, सहजानंद सरस्वती, एक दो सवाल और कर लीजिए भैया। लोसार त्योहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जल्दी से बताओ दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये काफी पुराना सवाल है, सभी लोग बताएंगे भैया। तो क्या आंसर आएगा इसका, लद्दाख। अगला करो मेरे भाई, अनुच्छेद 21 बताओ भैया,
आप लोग पढ़ लो, काफी बड़ा सवाल है, आप पढ़ोगे अच्छा लगेगा। पढ़ लीजिए एक बार, बता दीजिए फिर। पढ़ लो गाइस, कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। अगला एक सवाल और कर लीजिए दोस्तों। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियां किसकी सहायक नदी है बताओ भैया। ये लास्ट कर दीजिए और रोजाना 3:20 पे आना है आप लोगों को। आज मजा आ गया गुरुजी, बहुत बढ़िया नंदी भाई, मेहनत आप लोगों की है भैया। कृष्णा, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा जाने का, क्या करूं भैया। छात्रों को निशुल्क प्रतियोगिता कोचिंग प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा अपने बजट 2021 में शुरू की गई योजना का नाम क्या? स्टार लगा लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है यूपी में बीजेपी की सरकार, तो भैया ये सेंटर में भी बीजेपी की है तो सवाल ज्यादा बनते हैं, सभी लोग बताएंगे भैया। तो आंसर क्या आएगा भैया? बी इसका आंसर आ जाएगा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, काफी अच्छा लगा आप लोग मेरे साथ बने रहे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भैया चलता हूँ, और कल मिलता हूँ आप लोगों से जरूर जरूर, 3:20 पर रोजाना पधारें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बढ़िया गाइस। कल हम 15 अगस्त को मिलते हैं भैया, स्वतंत्रता दिवस पर, और आप लोगों को थोड़ा बातें की जाएंगी और बहुत कुछ नया दिया जाएगा, ठीक है गाइस। बाय गाइस, बाय।